पंचायत खीरी की घोर लापरवाही आई सामने। जहां पूरे देश कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, जिसको लेकर के भारत सरकार सहित सभी प्रदेशों की सरकारें तरह तरह के इंतजाम कर रही हैं ताकि कोरोना जैसी महामारी से बचाव किया जा सके, वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत खीरी अपनी हट धर्मी पर आमदा है। नगर पंचायत खीरी के किसी भी वार्ड में अभी तक नगर पंचायत की तरफ से किसी भी प्रकार की दवाई या छिड़काव, फॉगिंग, किसी भी तरह की संचारी रोगों लड़ने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए हैं। हद तो तब हो गई जब नगर पंचायत खीरी में कार्य कर रहे सफाई कर्मी को कोरोना वायरस भी कहा जाता है, जो अपने परिवार से दूर होकर नगर पंचायत के वार्ड वार्ड में जाकर सफाई का काम करते हैं। यूं कह लिया जाए, अपनी जान की परवाह न करते हुए जनता के लिए सदैव तत्पर रहने वाले सफाई कर्मचारी वार्डों में सफाई करते नजर आ रहे हैं। लेकिन नगर पंचायत खीरी के द्वारा इन सफाई कर्मचारियों को ना तो मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है और ना ही दस्ताने दिए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए कस्बा खीरी टाउन के भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर सलीम खान व आसमानी सेना के संस्थापक भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता व वार्ड नंबर 15 के नगर पंचायत खीरी के नव निर्वाचित सदस्य मोहम्मद उस्मान खान के द्वारा आज कस्बा खीरी टाउन में लगभग सभी वार्डों में जाकर नगर पंचायत खीरी के सफाई कर्मचारियों को मास्क व दस्ताने उपलब्ध करवाए। वहीं सफाई कर्मचारियों से जानकारी लेने पर पता चला कि अभी तक नगर पंचायत खीरी से सफाई कर्मचारियों को कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से बचाव के लिए ना तो मास्क उपलब्ध कराए गए हैं और ना ही दस्ताने दिए गए हैं। जहां यूपी सरकार के द्वारा कोविड-19 जैसी महामारी से बचने के लिए प्रदेश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और मास्क के ऊपर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाने को कहा गया है। दूसरी बार पकड़े जाने पर यही जुर्माना 10,000 रुपये हो जाता है। यहाँ तक की बात अगर लक्ष्मीपुर खीरी की करें तो यहाँ जिलाधिकारी खीरी शैलेंद्र कुमार सिंह ने रविवार को पूर्ण रूप से बंदी का ऐलान किया है, जिसमें सिर्फ मेडिकल, दूध, सब्जी, फल की दुकानों को छोड़कर पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। लेकिन वही नगर पंचायत खीरी की इस लापरवाही से सभी कर्मचारियों में और पूरे कस्बे में रोष व्याप्त है।